सो दोस्तों, आज की वीडियो में SRS वर्सेस MI यानी कि आप लोगों को बता दूं ये दोनों का ही कंपेरिजन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोग बता दो ओपनिंग का यहाँ पे कंपेरिजन होगा क्योंकि SRS के पास है अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल और यहाँ पे है इसके पास मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा और ईशान किशन। तो ओपनिंग की अगर आप यहाँ देखोगे तो SRS से बेस्ट मुंबई इंडियंस है और यहाँ MI जो विन होता है ओपनिंग के मामले में, ठीक है। और तीन और चार की बात करेंगे यहाँ पर राहुल त्रिपाठी और हेनरिच क्लासेन है। मुंबई इंडियंस के पास यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा है। तो देखो गाइस, मैं आप लोग बता दूँ यहाँ पे राहुल त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव का कंपेरिजन करें तो सूर्य कुमार यादव आगे जाएगा और हेनरिच क्लासेन और तिलक वर्मा में जाकर जाएगा कंपेरिजन, तो यहाँ हेनरिच क्लासेन आगे जाएगा। इसलिए दोनों का मैं यहाँ पे पल्ला भारी रखूँगा, मतलब दोनों का सेम रखूँगा। इसके बाद पाँच और छः अगर देखा जाए तो एजब मार्केटम हैरी ब्रुक SRS के पास है एंड मुंबई इंडियंस के पास है टीम डेविड और डेवल गर्विश, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच और छः में देखा जाएगा तो दोनों का पल्ला भारी नहीं है, मतलब दोनों का सेम है। क्योंकि आप लोग बता दूँ यहाँ पे दोनों का जो है हार्ड हिटिंग बैटिंग है, दोनों भी बैटिंग फास्ट कर सकते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। तो दोनों का सेम है। इसके बाद यहाँ पे सात और आठ देखें, SRS के पास यहाँ पे आदिल रशीद और वाशिंगटन सुंदर है और मुंबई इंडियंस के पास कैमरन गिरिन है और रमनदीप सिंह है, ठीक। तो कैमरन गिरिन जो है अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और रमनदीप सिंह जो है ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग उतना अच्छा नहीं करते हैं लेकिन उतना खास जो है नहीं कर, जैसे कैमरन गिरिन करते हैं वो बॉलिंग अच्छे करते हैं, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर दोनों करते हैं, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं बॉलिंग भी अच्छे करते हैं। इसके बाद आदिल रफील बॉलिंग बढ़िया करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का भी यहाँ भी सेम है क्योंकि कैमरन गिरिन भी अच्छी बैटिंग करते हैं, वो भी स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। एंड SRS के पास है नौ नंबर पर यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार जो कि मुंबई इंडियंस के पास है जोफ्रा आर्चर, अगर दोनों का कंपेरिजन करें तो दोनों भी बेस्ट है और जोफ्रा आर्चर अच्छे बॉलिंग करते हैं लेकिन भुवनेश्वर कुमार भी अच्छे बॉलिंग करते हैं। दस नंबर पर SRS के पास है उमरान मलिक और यहाँ पे मुंबई इनके पास जसप्रीत बुमराह थी, यहाँ तो जो जसप्रीत बुमराह आगे जाता है लेकिन हाँ उमरान मलिक भी अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके बाद 11 नंबर पे है टी नटराजन SRS के पास और यहाँ पे मुंबई इंडियंस के पास रहेगा कुमार कृतिका जो कि एक स्पिन मतलब स्पिनर है। तो अगर देखा जाएगा तो टी नटराजन इसे आगे जाएगा क्योंकि वो अच्छा अनुभवी खिलाड़ी है और बॉलिंग के डिपार्टमेंट में मुझे SRS जो बेस्ट लगती है। लेकिन आप लोग बता दो मुंबई इंडियंस फास्ट बॉलिंग के मामले में अच्छे है और SRS जो है स्पिन के मामले में ठीक है, ठीक। इसके बाद आप लोग बता दो बैटिंग में दोनों का टीम अच्छे है, दोनों को मतलब दोनों ही बेस्ट है और